क्वेश्चन को जिसका नाम है कार्ड गेम। ये क्विक सॉर्ट का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ के अंदर। तो इस प्रॉब्लम में हमें मतलब ये चीज़ गिवन है कि जैसे दो फ्रेंड्स जो है वो एक गेम प्ले कर रहे हैं। तो इस गेम में क्या है कि जो भी कार्ड्स है ना वो रैंडम ऑर्डर में वो पिक करते हैं, ठीक है। तो इस ऑर्डर मतलब बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है, हम ये समझते हैं कि द प्लेयर हु पिक द कार्ड विद द लार्जेस्ट स्ट्रेंथ विंस द गेम, ठीक है। तो जो भी हमारी स्ट्रेंथ है, अगर जैसे इन दोनों प्लेयर्स की, देर इज नो विनर इन केस बोथ द प्लेयर्स पिक द कार्ड विद द इक्वल स्ट्रेंथ। अब ये जो स्ट्रेंथ है ना ये कैलकुलेट कैसे होती है, ये हम ये समझते हैं कि फर्स्ट फ्रेंड गॉट अ डेक ऑफ एन कार्ड्स है ना, इन द आईएथ ऑफ हिज फ्रेंड हैज ए आई। तो सेकंड फ्रेंड गॉट डेक, ये हमारे पास बेसिकली फर्स्ट फ्रेंड के एन कार्ड्स दे रखे हैं, सेकंड फ्रेंड के एम कार्ड्स दे रखे हैं, है ना। अब हमें बोला कि द फर्स्ट फ्रेंड वॉन्ट टू विन एवरी मैच, सो ही डिसाइडेड टू इम्प्रूव हिज कार्ड्स। अब जो फर्स्ट फ्रेंड है ना वो क्या करता है, वो जो भी उसकी मतलब बेसिकली जो भी कार्ड की स्ट्रेंथ होती है ना, हर एक कार्ड की स्ट्रेंथ को वो इंक्रीज कर सकता है ना। और उसे बेसिकली उसके लिए $1 का जो है अमाउंट लगता है। और वो एनी कैरेक्टर कैन बी इम्प्रूव, मतलब वो किसी भी कैरेक्टर को बेसिकली कितने भी कार्ड को क्या कर सकता है, कितने भी टाइम्स अपने कार्ड को स्ट्रेंथन कर सकता है। और ये बात जो है वो सेकंड वाला फ्रेंड नहीं जानता। तो ये वाली जो बेसिकली जो हमारी इम्प्रूवमेंट है ये हम किस में कर सकते हैं, जो फर्स्ट वाला फ्रेंड है उसके कार्ड्स में कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये हमें बताना है व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी विच द प्लेयर फर्स्ट प्लेयर नीड्स टू गारंटी अ विक्ट्री फॉर हिमसेल्फ, यानी कि उसे कितना अमाउंट लगेगा बेसिकली जो मैंने बताया था हर एक कार्ड को एक से इंक्रीमेंट करने के लिए उसे $1 का अमाउंट लगेगा। तो हमें बताना है कि टोटल कितना अमाउंट लगेगा कि जो भी उसके मतलब गेम है ना उसमें हर एक गेम में उसे विक्ट्री जो है वो गारंटी हो जाए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हम अगर इनपुट में समझे तो इनपुट से ना जैसे हमारे पास ये जो है ये हमारे पास फर्स्ट वाले जो फ्रेंड है उसके कार्ड्स गिवन है, उसके हर एक कार्ड की स्ट्रेंथ गिवन है ना। और ऐसे हमारे पास सेकंड वाले फ्रेंड के हर एक स्ट्रेंथ की कार्ड गिवन है, बेसिकली कार्ड के स्ट्रेंथ की गिवन है। तो ये जैसे हमारे पास फर्स्ट स्ट्रेंथ है ना, तो हम इसमें ये देख सकते हैं कि जैसे मैं क्या कह रहा हूँ कि जैसे हमारे पास ये वाला जो है ना ये पूरा का पूरा ये एक फर्स्ट वाले जो फ्रेंड है उसके कार्ड्स की स्ट्रेंथ गिवन है, ठीक है। तो उसे क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास ये सेकंड वाला है ना, एक बारी मैं क्या करता हूँ इसको ना इनपुट यहाँ पे ले चलता हूँ जैम बोर्ड पे, और फिर आपको सही से समझाता हूँ कि हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं ये देखते हैं कि अगर हमें मान लो जैसे ये गिवन है, ये वाला जो है ये क्या है फ्रेंड वन के टोटल कितने कार्ड्स हैं ये वो गिवन है, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे कार्ड है फ्रेंड वन के, इसे कार्ड वन से डिनोट कर देते हैं। ये वाला क्या है, ये फ्रेंड टू के कितने कार्ड्स हैं वो ये गिवन है, ठीक है। और ये क्या है, ये कार्ड टू से डिनोट कर देते हैं, ये सेकंड फ्रेंड के कार्ड्स है सारे, हर एक कार्ड की स्ट्रेंथ है बेसिकली, ठीक है। तो अगर उसे मान लो जैसे फर्स्ट वाला फ्रेंड है उसे गारंटी चाहिए बेसिकली, वो कह रहा है कि मेरे को गारंटी चाहिए कि मैं सारे के सारे मैच जो है वो जीतूं, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसे बेसिकली उसे ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी जो कार्ड वन की जो भी मतलब वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए कार्ड टू के हर एक एलिमेंट से, है ना। यानी कि हर एक एलिमेंट से होनी चाहिए, यानी कि इसमें इस वाले एरे में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो कि क्या हो इस वाले एरे से छोटा हो या फिर उसके बराबर भी हो, क्योंकि अगर बराबर हो गया तो वो क्या हो जाएगा, मैच ड्रॉ हो जाएगा, है ना। लेकिन उसे क्या चाहिए, गारंटी चाहिए, यानी कि उसे हर एक केस में एलिमेंट जो है अपना बड़ा चाहिए इससे। तो वो क्या करेगा, वो सबसे पहले हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे ना, इस वाले एलिमेंट को, ये जो हमारा एरे है इसको हमने सॉर्ट कर दिया। तो सॉर्ट करने के बाद जो भी हमारे पास लास्ट एलिमेंट होगा, है ना, जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट होगा एरे ऑफ एन माइनस वन, वो क्या होगा हमारे पास मैक्सिमम एलिमेंट होगा, यानी कि उससे बड़े तो कोई भी एलिमेंट नहीं होगा ना इस कार्ड ये सेकंड फ्रेंड के पास। तो अगर इस वाले एलिमेंट से एक बड़ा हम अपना आंसर मतलब बेसिकली कर दें जिससे कि हम गारंटी से डिनोट कर दें, है ना। गारंटी से डिनोट करने का क्या मतलब है कि अगर उसके पास इस लास्ट वाले एलिमेंट से एक बड़ा वाला वैल्यू मिल गया, है ना, यानी कि अगर इस लास्ट वाले वैल्यू से ये वाली जो लास्ट वाली वैल्यू है अगर इससे सारे के सारे एलिमेंट्स उसके पास बड़े हो गए तो वो क्या बोलेगा कि उसके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि इससे छोटा हो, है ना, फ्रेंड टू के कार्ड से। तो उसको हर एक कार्ड के केस में बेसिकली क्या मिलेगी, गारंटी मिल जाएगी कि वो क्या करेगा हर एक मतलब मैच में विन कर जाएगा। तो उसे क्या करना पड़ेगा कि जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू है जैसे इस केस में 4 है, तो उसे क्या करना पड़ेगा अपने हर एक एलिमेंट को क्या करना पड़ेगा, या तो 5 करना पड़ेगा या फिर 5 से बड़ा करना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे अगर हम क्योंकि तो उसे क्या चाहिए, मिनिमम मिनिमम चाहिए ना कि उसे की मिनिमम कितनी कॉस्ट लग सकती है। तो मिनिमम के केस में हम क्या करेंगे, अगर हम 5 को कर देते हैं कि उसे 5 जैसे हर एक एलिमेंट को 5 बनाना है, तो हम ये देख सकते हैं कि उसको हर एक एलिमेंट को 5 बनाने में कितने मतलब डॉलर लगेंगे। तो
तो यहाँ पे उसे कितने, जैसे कार्ड वन में अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले उसमें लगाने में कितने लगेंगे, 5 माइनस 1 जो कि 4, तो यहाँ पे लग गए। ऐसे ही उसे क्या लगेंगे, 5 माइनस 3 जो कि क्या लग गए, 2 लग गए। और थर्ड वाला जो कार्ड है वो तो पहले से ही 10 है, वो क्या है, ग्रेटर देन है 5 से। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, अपने लूप के अकॉर्डिंग एक कंडीशन तो लगा ही सकते हैं कि हमने क्या किया, 5 माइनस 10 किया, और अगर वो वैल्यू जो मतलब ये वाली है, अगर जैसे 5 आ रही है, तो अगर ये वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव हो जाती है, तो इस केस में क्या है, वो जो वैल्यू है वो क्या हो गई, वो पहले से ही बड़ी है, तो हमें उसको तो चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। तो हम या तो चेक कर सकते हैं, या तो वो नेगेटिव हो या तो जीरो। बेसिकली अगर डिफरेंस जीरो हो गया, इसका मतलब है कि हमारे पास ये 5 वाला एलिमेंट तो पहले से ही प्रेजेंट है, तो उसको हमें वैसे भी चेंज करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि 5 हमने कैसे लिया है, हमने मैक्सिमम एलिमेंट से एक बड़ा ही तो लिया है 5, तो वो तो यहाँ पहले से ही प्रेजेंट है। तो हम यही चेक करेंगे कि अगर हमारी वैल्यू, इफ जो हमारा डिफरेंस आया है अभी तक का, अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, तभी हम क्या करेंगे, उसे आंसर में इंक्रीमेंट करेंगे। बेसिकली उसे उतना अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। अगर वो मान लो डिफरेंस जीरो भी आ जाता है या फिर नेगेटिव भी आ जाता है, तो उसको हम अपने आंसर में इंक्रीमेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो यही हमारी इस क्वेश्चन की अप्रोच थी। अब देखते हैं कि इसको कोड कैसे कर सकते हैं। कोड करने का सिंपल सा तरीका ये है, सबसे पहले तो ना इसका एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो हमें इनपुट में कंस्ट्रेंट्स गिवन है ना, वो यहाँ पे 10^9 तक जा सकते हैं, है ना। बेसिकली जो एन है वो 10^5 तक जा सकता है, और जो हर एक एलिमेंट है, जो हर एक कार्ड की स्ट्रेंथ है, वो 10^9 तक जा सकती है। तो अगर हम हर एक का जैसे यहाँ पे डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं ना, तो हमें हर एक कैलकुलेट का डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए जो हमारी वैल्यू है वो 10^9 से बड़ी जा सकती है ना। तो इस केस में हम जैसे अगर मान लो मेरे पास जो स्ट्रेंथ है वो 1 हो गई है ना, और मेरे पास जो लास्ट एलिमेंट है वो 10^9 हो गया, तो इस केस में मेरे को एक इससे बड़ा एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो इसलिए मेरे को यहाँ पे ना लॉन्ग लॉन्ग का मतलब बेसिकली करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर की रेंज तो यहाँ पे आउट हो जाएगी। तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग को लिया है, और एक मैंने एरे वही बनाया जैसे मैंने आपको समझाया था, एक फ्रेंड 1 का जो कार्ड है उसके उसको मैंने इनपुट ले लिया, फिर फ्रेंड 2 के कार्ड को इनपुट ले लिया, फिर मैंने उसको क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। अब यहाँ पे सॉर्ट मैंने क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम लगाई है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम के अंडर है। तो ये सारी की सारी क्या है, बेसिकली जो मैंने फंक्शन बनाया क्विक सॉर्ट का, और जो पार्टीशन है और ये स्वैप है, ये पूरी की पूरी क्या है, क्विक सॉर्ट की एल्गोरिदम है। तो इसको आप अलग से रीड कर लीजिएगा। बाकी मैंने क्या किया है, फिर जैसे ही सॉर्टिंग एल्गोरिदम लगाई है, जो मेरे पास सेकंड फ्रेंड है ना, उसका जो मैक्सिमम कार्ड है वो यही बन सकता है जो उसका फ्रेंड 2 माइनस 1 है, ये मेरे पास लास्ट वाला कार्ड दे देगा, उसमें मैं एक इंक्रीमेंट कर दूंगा, तो ये मेरे पास अब गारंटी आ जाएगी कि ये वाला जो एलिमेंट है ना, ये मेरे को कम से कम चाहिए हर एक मतलब फ्रेंड 1 के कार्ड में। तो उसको लाने के लिए मैं क्या करूंगा, फ्रेंड 1 में बेसिकली इटरेट करूंगा, और देखूंगा कि जो भी मेरे पास एलिमेंट है, अगर मैं उसका डिफरेंस करता हूं अपने इस गारंटी से, तो अगर वो डिफरेंस मेरे पास ग्रेटर देन जीरो आता है, इसका मतलब मेरे को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरे को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा उसको मैं अपने मनी में इंक्रीमेंट कर लूंगा, और मैं अपने लास्ट में जो भी मेरे पास वैल्यू आएगी ना टोटल मनी, मैं उसको आउटपुट कर दूंगा।